कान में ईयरफोन लगाकर कर रहा था बात, अचानक लगा झटका और हो गई मौत। अगर आप भी कान में लगे ईयरफोन को मुंह में दबाकर बात करते हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में रहने वाले एक शख्स की मौत इस कारण से हो गई क्योंकि वो फोन चार्जिंग पर लगाकर ईयरफोन पर बात कर रहा था। सुबह जब मकान मालिक घर पहुंचा तो शख्स को बिस्तर पर मृत पाया। थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में रहने वाला 24 साल का कृत्सडा सुपोल रात में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर किसी से बात कर रहा था। बात करने के दौरान उसने ईयरफोन के स्पीकर को अपने मुंह से दबा रखा था। इसी दौरान उसे जोर का झटका लगा और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कृत्सडा की मौत करंट लगने से हुई थी। पुलिस को बिस्तर से जो बॉडी मिली है उसे देखने पर पाया गया कि कृत्सडा के कान में ईयरफोन लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि झटका इतना तेज था कि उसके कान में लगे ईयरफोन से उसके कान का कुछ हिस्सा भी जल गया। एक संपर्क के मुताबिक कृत्सडा ने कंपनी का फोन ले रखा था लेकिन चार्जर लोकल था। पुलिस का मानना है कि फोन चार्ज पर लगाकर ईयरफोन से बात करने से उसकी जान चली गई। चोनबुरी पुलिस के चीफ ने कहा, ये बाकी लोगों को सावधान करने वाला मामला है। सस्ते और नकली चार्जर और फोन चार्ज पर लगाकर बात करना आपकी जान ले सकता है।